हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि समर वेकेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं और अगेन हम कहीं जा नहीं सकते। कुछ क्राफ्ट वर्क देखेंगे बच्चों के लिए, जो बच्चे ईजिली कर सकें घर में आराम से। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम फ्लावर्स बनाएंगे क्ले के बहुत ही ईजी वे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में जो है रोज़ेस बनाना बताया था दो तीन तरीके से। आज मैं रोज़ है और दो तरह के फ्लावर्स और हैं, वो सब बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी है बनाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे पहला फ्लावर बनाने के लिए क्ले ले ली है। कोई सी भी क्ले ले सकते हैं इसके लिए। अब हम इसे बेल लेंगे लंबा। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, इसमें मैं पतले पतले मार्क्स बना लूंगी। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने हैं। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे, लीफ की हल्की सी शेप आ जाए। ये मैंने उठा के सारे दबा लूंगी मैं इसे। ये हमारा बनके तैयार है। अब इसे हम रोल कर लेंगे। आप चाहे तो वायर की हेल्प से रोल कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर विदाउट वायर भी बहुत ईजिली रोल हो जाएगा। बस अब इसे अच्छे से रोल करते जाना है सारा। जब रोल हो जाए कंप्लीट, उसके बाद लीव्स को जो है अपने तरीके से थोड़ा सा फैला लेंगे हम। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, शायद एंगुलेशन कैमरे का ठीक नहीं बैठा है इसलिए। हल्का सा मैं ब्रशेस से इसके ऊपर मार्किंग्स ला दूंगी। ऐसे ही सेम वे मैंने एक ऑरेंज बना के रखा हुआ है। ये सेकंड, अब हम रोज की कली बड बनाएंगे। उसके लिए फिर अगेन मैंने जो है इसे बेल दिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे इसे। बेलने के बाद मैंने ढक्कन की हेल्प से इसे कट कर लिया, गोल बना लिया है। अब इसे फिर से मैं साइडों से फैला लूँगी जिससे कि अनइक्वल लुक आए थोड़ा सा। इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, और वैसे ही अब इसे रोल करते जाएंगे जैसे इसे पहले हमने रोल किया था। और ये सारा हम बाहर की तरफ लीव्स जो है फैला देंगे। ये हमारी रोज की बट बन के आ गई है बहुत ईजली। अब हम रोज बनाएंगे एक ऑन डाई वे में, बहुत ईजी है ये भी। इसके लिए भी हम थोड़ा सा लंबा बेल लेंगे, इसे भी हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। बेलने के बाद अब मैं इसे प्रेस कर लूँगी। ये प्रेसिंग हमें दोनों साइड से करनी है और हमें बहुत ज़्यादा वर्थ जो है कम नहीं करनी है, वर्थ ठीक ठाक बेलेंगे हम। और इसे मैंने फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और सेम वे लंबा बनाया है ये मैंने, और इसे मैं रोल कर लूँगी उसी तरीके से। क्योंकि मैंने लंबा बनाया है तो रोज़ जो है पूरा खिला हुआ उसकी तरह ज़्यादा बड़ा बन के आएगा। ये कली हमारी बहुत छोटी सी बन के आई थी। बस अब आप इस पर लीफ बना के लगा सकते हैं आराम से।
और हम थर्ड तरह के और बनाएंगे। इसके लिए मैंने व्हाइट क्ले ली है और इसे भी मैं बेल लूंगी। बेलने के बाद अब इस पर मैं एक मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे, इससे मैं हार्ट बना लूंगी। एक कट कर लिया, आपके पास सांचा है कटिंग का तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब हम येलो कलर का जो है क्ले ले लेंगे थोड़ी सी और ऐसे इसे रोल कर लेंगे, लंबा बना लेंगे और इसे हार्ट के बीच में रखेंगे। अब जो ऊपर वाली जगह है हार्ट की, प्रेस कर लिए चारों से, उसे हम ऐसे करके रोल कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इसकी बड के लिए मैं छोटा हार्ट बनाऊंगी और सेम उसी प्रोसीजर में जो है हम इसको तैयार कर लेंगे। अब हम इसके लिए लीफ बनाएंगे, ये भी मैं बेल लूंगी ग्रीन कलर की क्ले अपनी। इसके लिए भी मैं हार्ट कट करूंगी, एक्स्ट्रा हटा देंगे हम। और अब जो हमने हार्ट कट किया उसके अंदर सीरेशंस बना देंगे साइड्स में। ये हमारी लीफ जो है वो बनके तैयार हो गई है। ये मैंने आज तीन तरह के फ्लावर्स बनाना सिखाए हैं बहुत ही इजी वे में। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।